दोस्तों आमतौर पर लहसुन का प्रयोग खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए आप सभी करते होंगे। जैसे लहसुन खाने का स्वाद बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार से ये कई सारे हमारे शरीर को फायदे भी देता है जो कि आपको चौंका सकते हैं। जी हाँ, लहसुन औषधीय गुणों से भरपूर है जो कि आपको स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना जानेंगे तो ये आपके जीवन से बीमारियों को भी दूर करेगा। कई लोग इसके गुणों से वाकिफ नहीं होते हैं, यानी कि नहीं जानते हैं कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कब बढ़ाना चाहिए और कब कम करना चाहिए। तो हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, सुबह खाली पेट अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं, जैसे कि हम आपको बताएंगे इस वीडियो में उस तरीके से, तो आपके शरीर को बहुत से लाभ मिलेंगे। जी हाँ, तो क्या क्या लाभ मिलेंगे लहसुन के सेवन से, कौन कौन सी बीमारी को आप कंट्रोल कर सकेंगे और कब नहीं सेवन करना चाहिए और किस तरीके से इसका सेवन करना चाहिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए एक दिन में, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए बस आपको अंत तक देखना है और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। मुझे बेहद खुशी होती है जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार चैनल। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं लहसुन के फायदों के बारे में। लहसुन का सेवन करना उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है जिनका खून गाढ़ा होता है। जी हाँ, लहसुन ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, इसीलिए सुबह के समय खाली पेट लहसुन की एक कली खाना चाहिए, इससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। लेकिन वहीं पर जिसको ऑपरेशन कराना हो उसे एक महीने पहले लहसुन बंद करना होता है, हल्दी बंद करना होता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड को पतला करता है। अगर आप किल मुहासे की समस्या से परेशान हैं तो रोज खाली पेट लहसुन की कच्ची कली का सेवन कीजिए, आप चबा करके। इसके सेवन से आपका खून साफ होगा जिससे किल मुहासे की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लहसुन अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के चलते कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखता है। यदि आप लहसुन का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों ही नियंत्रण में हो जाता है। सर्दी खांसी से अगर आप परेशान रहते हैं तो आपको लहसुन उससे छुटकारा दिलाएगा। जी हाँ, जल्दी आपको सर्दी लग जाती है, खांसी भी हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता कम है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी तो बीमार होना स्वाभाविक है। अगर आप इसे मजबूत करना चाहते हैं तो आपको रोज अपनी दिनचर्या में लहसुन को शामिल करना चाहिए। अभी कोविड चल रहा है, इसमें बहुत आपने इम्यूनिटी के बारे में सुना होगा, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के बारे में, तो उसमें भी लहसुन बेहद ही कारगर औषधि की तरह से कार्य करता है। यदि आप लहसुन का सेवन प्रतिदिन करते हैं तो ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होता है। लहसुन औषधीय गुणों से भरपूर है, इसलिए इसका नियमित रूप से सेवन आपको बहुत सारे लाभ देता है। साथ ही साथ ये इन्फेक्शन को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हो गए हैं तो लहसुन का सेवन आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। प्रतिदिन आप खाली पेट लहसुन का सेवन कीजिए, ये आपके बढ़ते हुए वजन को कम करने में मदद करेगा। पेट की समस्या से निजात दिलाने में भी लहसुन बहुत ही कारगर औषधि की तरह से कार्य करता है। इसके सेवन से पेट की समस्या से निजात मिल जाती है। संक्रमण को खत्म करने में भी लहसुन की बहुत ही अहम भूमिका होती है, यह संक्रमण से लड़ने में कारगर होती है। गठिया के दर्द में भी लहसुन बहुत ही कमाल के औषधि के रूप में कार्य करता है। आप चाहें तो ऑयल में लहसुन को पका करके गठिया वाले अंग पर मालिश कर सकते हैं, इससे सूजन भी जाएगी, दर्द भी जाएगा और इसका सेवन कर सकते हैं। इसके सेवन से भी आपके पेट में गैस नहीं बनती है, कब्जियत नहीं बनती है, तो इस वजह से आपका स्वास्थ्य ठीक होने लग जाता है तेजी से। फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में भी लहसुन का बहुत ही बेहतर इस्तेमाल किया जाता है और करना चाहिए, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होने के साथ साथ एंटीबायोटिक की तरह से भी कार्य करता है, जो कि आपको अलग अलग तरह के कीटाणुओं जीवाणुओं से बचाता रहता है। तो इसलिए कमाल के औषधि लहसुन इसका सेवन जरूर करना चाहिए। अब कितना करना चाहिए ये समझ लीजिए, एक दिन में 2 से 3 कली लहसुन की खा लिए तो ये आपके लिए पर्याप्त है। इसका मतलब ये समझ लीजिए, जो एक उसकी पोटी होती है उसमें से आपको निकालना है 3 कलियां, बस 3 लहसुन की या 4, एक दिन में इतना ही खाना है। सुबह एक को चबा करके खा लीजिए, बाकी भोजन में आप खाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 भी चाहें तो सुबह चबा करके खा सकते हैं, हर रोज नहीं खा सकते हैं तो आप एक दिन अल्टरनेट करके खाइए, सप्ताह में 2 दिन खाइए तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कमाल की औषधि है लहसुन, लहसुन का सेवन हम सभी को जरूर करना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो लहसुन का सेवन करते हैं पर सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि और डीपली हम आपको बताएं कि क्या आपको ध्यान रखना चाहिए,
कौन कौन सी बीमारी में ध्यान रखना चाहिए, वैसे तो हमने आपको बता दिया, जिनका ब्लड पतला हो या जिनको ऑपरेशन होने वाला हो उनको इसका सेवन से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बाकी लोगों को कोई खतरा नहीं, हमेशा ही फायदा ही है, बाकी लोग उनका चाहें तो लाभ ले सकते हैं। ये आज की वीडियो रही, ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं, वीडियो को अंत तक देखा आपने इसलिए दिल से धन्यवाद।